सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार काफी लोगों आज इस वीडियो में खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि जिनके भी साइड अमाउंट मार्क हुए थे अकाउंट में, उनके यार पैसे रिफंड आने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब कुछ न्यू पॉलिसी लागू की है यूपीआई वगैरह की, तो वो तो मैं स्किप करता हूँ। बट यार जो मेरे साइड अमाउंट मार्क हुए थे 8,000 रुपये साइड अमाउंट मार्क हुए थे मेरे साथ जब टेलीग्राम का फ्रॉड हुआ था, सो वो मुझे रिफंड मिल चुका है। और कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दूँ। यार मेरे को काफ़ी दिनों से मतलब काम में बिजी था, ऑफिस वगैरह थे, तो मैं जा नहीं पा रहा था बैंक, और डायरेक्टली मैं बैंक विजिट किया मैंने कल के डेट में मैंने बैंक विजिट किया। आई थिंक 29 ऑफ दिसंबर को मैंने बैंक विजिट किया, ठीक है। और बैंक विजिट करके मैंने पूछा कि ये मेरा साइड अमाउंट है, आपने मुझे 3 मंथ का टाइम दिया था, 90 डेज का टाइम देते हैं आपको, ठीक है। बट उन्होंने कहा आपका साइड अमाउंट क्रेडिट होने को रेडी है, आपका जो अमाउंट है आपने जो भी कंप्लेन की है वो रिवर्सल हो चुका, मतलब साइबर क्राइम ने या बैंक वालों ने जो भी है मेरा पेमेंट जो था वो रिवर्सल करवा दिया है, जो HDFC के अकाउंट में मेरे से लिया गया था पैसा वो रिफंड आ चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ एक साइन करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अगर आपका अकाउंट है तो आपके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करने हैं, जो साइबर क्राइम की फोटो कॉपी थी वो दोबारा से देनी पड़ेगी, और देन उसके बाद आपके 24 आवर में आपके अकाउंट में शैडो अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कहीं भी कैसे भी। तो यार ये स्टेप फॉलो कर लो, मे बी यार आपके अमाउंट रिफंड आ जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के आ रहे हैं इस बार, और मुझे भी नहीं लगा था, मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। आई थिंक मैं 7 महीने बाद बैंक किया हूँ दोबारा से, मेरे साथ 7 महीने पहले फ्रॉड हुआ था, मैंने वीडियो भी बनाई थी यार, काफ़ी सैड वीडियो बनाई थी, मैंने देख लेना एक बार, विदाउट को एडिटिंग हेडफोन लेके सिंपली वीडियो बनाई थी। और कुछ स्टेप फॉलो कर लेना यार, बिल्कुल ये मस्ट है। पहला साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कर देना, दूसरा बैंक में भी आप रिपोर्ट कर देना, SOP फॉर्म भर लेना, ये सब अगर नहीं पता आपको तो मेरे चैनल पे SOP फॉर्म की वीडियो पहले पड़ी हुई है, उसे देख लेना, आपको समझ आएगा SOP फॉर्म कैसे भरना है। साइबर क्राइम में रिपोर्ट कैसे करना ये भी नहीं पता तो आप नीचे कॉमेंट करो, मैं बता दूंगा आपको कैसे रिपोर्ट करना। ऑफलाइन रिपोर्ट करने से बचना, ऑनलाइन रिपोर्ट करना, क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्ट पर ज़्यादा जल्दी काम होता है, और जो आपके IO होंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनसे यार को कांटेक्ट में रहना, उनसे थोड़ा लीड लेते रहना कि हाँ भाई अपडेट दे दो मुझे, क्या सीन है मेरे पैसे जो रिफंड होने हैं नहीं होने हैं, क्या आपने उस बंदे का अकाउंट फ्रीज किया नहीं किया। तो ये सब कुछ चीज़ें आप गौर कर लेना। हाँ, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो उन वीडियो के नीचे कॉमेंट करें। और काफ़ी ऐसे स्कैम चल रहे हैं तो ऑलरेडी 2 से 3 मिनट की वीडियो हो गई, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि आप देखेंगे नहीं, तो नीचे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट में आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी के लिए गुड न्यूज़, जिनके भी साइड अमाउंट मार्क हुए हैं एक बार अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर एवरीवन।